किसानों के ऋण खत्म करने की बात की, इस मामले में क्या है? कल उन्होंने बोला है ये उनको इस समय सूझ रहा है, इतने सालों बाद सूझ रहा है कि किसानों का क्या हाल है। अब तो ये खोखले वायदे जो उन्होंने करे हैं, सपना दिखाने की बात है। इसमें आज हमारे किसान, मध्य प्रदेश के किसान, उनके ये जुमले को समझ रहे हैं। और हम तो स्पष्ट हैं, हर किसान का कर्जा माफ़। वो चुटकुली अपने बारे में हिसाब दें, जवाब दें। ये राहुल जी और मोदी जी क्यों चिंता करते हैं इतनी राहुल जी के बारे में? अपनी बात क्यों नहीं करते? नौजवानों की बात क्यों नहीं करते? किसानों की बात क्यों नहीं करते? रोजगार की बात क्यों ना करते? आत्महत्या की बात क्यों नहीं करते? फिर उन्होंने सांप्रदायिकता की बात की, कांग्रेस सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी कह दिया। देखिए, उनको तो कहने लायक कुछ बचा नहीं, तरह तरह का आरोप लगाएंगे। तो ये कहे सांप्रदायिक हैं, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। देश की जनता जानती है कि कांग्रेस क्या है। आपने घोषणा पत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और पुलिस वालों को शामिल किया, क्या सोच रही है साथ? हम चाहते हैं सबके साथ न्याय हो। जो वंचित रहे इतने साल कोई लाभ से, हम उन्हें लाभ पहुंचाना चाहते हैं। कितनी सीटों का अनुमान करते हैं आज मध्य प्रदेश? हमारी 140 से ज़्यादा सीटें आएंगी।